तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, झारखंडी जोहार। और जैसा कि आप सबको पता है कि ठंडा का दिन आ गया है और आज 5 नवंबर भी हो गया, तो ठंडा का मौसम अब धीरे धीरे से बढ़ेगा। तो स्वेटर वगैरह ठंड लगेगा तो पहनना पड़ेगा, गरम कपड़ा, रात को 4-5 को ओढ़ के सोना पड़ेगा। लेट से उठेंगे, जल्दी सोने का मन करेगा। वैसे भी रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है, तो ठंडा का दिन आ गया है, अच्छे से 4 दिन में एक दिन नहाइएगा, हम जैसे नहाते हैं। और 3-4 को पानिएगा, देख सकते कि अंदर में पाने, फिर एगो पाने, फिर एगो पाने, इसी तरह से। और ज़्यादा ठंड लगेगा तो और ज़्यादा पहनेंगे, मोटा भी पहनेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, ठंडा लहिन लगना चाहिए शरीर को, गरम गरम एकदम। जल्दी उठिएगा मत, 8 बजे 9 बजे उठना चाहिए ठंडा का मौसम में। और ठंडा का मौसम जो होता है, ये जो ऊपर से देख सकते हैं कि कोहरा टाइप का गिरता है, वाइट कलर, ये बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि माथा में पड़ने से जैसे माथा दर्द भी हो सकता है। इसके लिए टोपी वगैरह, मफलर या कुछ भी ढकने का सामान मुड़ी के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि वो सीधा डायरेक्ट नहीं गिरे और तबीयत खराब नहीं होगा। तो देख सकते पूरा लाइट कामे कामे दिख रहा है, और धूप भी एकदम देख सकते हैं कि किस तरह किधर है। देख सकते एक थोड़ा सा निकला है, लेकिन कोहरा के चलते नहीं दिख रहा है। देख सकते कि कैसा कोहरा, एकदम थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर दिख नहीं रहा है, पासे तक दिख रहा है नज़र। मतलब कि थोड़ा दूर भी दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिख रहा है। तो देख सकते हैं कि ये धान खेत है, और इसमें देख सकते हैं कि पूरा एकदम पानी, जो शीत गिरा था वो पानी एकदम गजब, मतलब कि पूरा यहाँ पे आके रुका हुआ है। देख सकते हैं हाथ भींग जाता है। और वैसे अगर इस धान खेत में अगर वैसे इस तरह से पहन के जाएंगे ना, तो पूरा यहाँ से थोड़ा दूर जाते जाते पूरा भींग जाएगा, इतना यहाँ पे जो है धान के ऊपर कोहरा गिरा है। वो आके यहाँ पे रुका हुआ है, पूरा दिखाते हैं कि गजब स्टाइल का एकदम सोना, मतलब वाइट एकदम, जो धूप उधर से आ रहा है ना, तो गजब दिख रहा है। तो दिख रहा होगा कि किस तरह से पानी एकदम, जो कोहरा गिरा हुआ है वो आके धान के बीचों भी, मतलब धान के जो यहाँ पे होता है उसमें आके लटका हुआ है। देख सकते हैं कि आप उधर किस तरह से एकदम जो धूप निकला है उसमें एकदम दिख रहा है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वैसे हम लोग मतलब कि इस तरह से जो मतलब कि आना जाना जो रास्ता है उसमें आते जाते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस तरह एकदम पैर सब में एकदम पैर सब भींग जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि जो ऊपर से गिरता है कुहासा, सीत बोलते हैं हम लोग, सीत का पानी जो गिरता है वो पैरों में सुबह सुबह पड़ने से अच्छा होता है। पैर थोड़ा टाइट टाइट होगा और मजबूती मिलेगा पैर को, तो भींगना चाहिए। इसलिए खाली पैर भी सुबह मॉर्निंग वर्क वर्क पे निकलते हैं, लेकिन हम लोग चप्पल पहन के निकलते हैं, काहे कि चप्पल भी पहनना चाहिए, जो हमारे शरीर जो है पूरा शरीर में छोटा छोटा सा छेद होता है, और उसमें जो हवा वगैरह, हवा घुसने का, ऑक्सीजन थोड़ा घुसने का रहता है, एकदम छोटा छोटा, जो दिखेगा नहीं वैसे खुली आँखों से, लेकिन उसको दिखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी से। और पैरों के भी होता है इसी तरह से छोटा छोटा छेद, और इसीलिए खाली पैर अगर चलते हैं तो छोटा छोटा जो जीवाणु वगैरह रहते हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए चप्पल भी पहन के ज़्यादातर घूमना चाहिए, ताकि हम लोग को शारीरिक नुकसान ना हो। तो बिहाने बिहाने का वीडियो यहीं तक था। तो अपना ख्याल रख